आज हम करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.3 को। तो 8.3 में क्या क्या है उसको हम पहले देख लेंगे। देखो इसमें कुछ फॉर्मूलाज का हम यूज करेंगे, तो मैं सबसे पहले वो फॉर्मूला आपको बता दूं, ठीक है। तो फॉर्मूला है, देखो क्या है कि हमारे पास अगर साइन 90 माइनस थीटा दिया हो, ठीक है, अगर साइन 90 माइनस थीटा दिया हो तो उसको हम बोलते हैं कोस थीटा। क्लियर है इतना। उसके बाद है, अगर आपके पास कोस 90 माइनस थीटा दिया हो उसको हम बोल देते हैं साइन थीटा। देखो ये दो तो बिल्कुल इजी हो गए कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, इसका उल्टा सीधा कर दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्मूला आपके पास आएगा वो आएगा आपके पास साइन कोस टेन, ठीक है। तो टेंजेंट का ले लिया 90 माइनस थीटा, अगर टेन 90 माइनस थीटा होगा तो हमारा ये कितना आएगा, कोट थीटा आएगा। क्लियर है इतना। अब देखो यहां पर हम क्या करेंगे, अब साइन के साथ आपके पास क्या जाएगा, यहाँ पे कोसेक, कोसेक 90 माइनस थीटा अगर दिया हो तो वहां पर हम लेते हैं सेक थीटा, ठीक है। कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा। अब यहां से कोट ले लेंगे हम, कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, टेन थीटा। देखो रिलेशन वही है कि साइन का, साइन के बाद क्या आएगा, कोस आएगा, कोस के बाद क्या आएगा, टेन आएगा, ठीक है। जैसे हम पंडित बद्री प्रसाद में करते थे बिल्कुल उसी तरह से, बस आपको ये फॉर्मूला थोड़े से याद करने हैं। इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम अगले क्वेश्चंस को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर वन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर वन में दिया है इवेल्युएट, और इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास साइन 18 डिग्री डिवाइड में है कोस 72 डिग्री, ठीक है। अब देखो इसको क्या करेंगे, हम क्या करेंगे इसमें कि इसको भी हम 72 बना देंगे और इसको हम 72 ऐसे ही छोड़ के रखेंगे, ठीक है। तो कैसे बनेगा 72, देखो यहां करते हैं। देखो साइन मैं क्या लूंगा, यहां पर कोस है ना, यहां पर साइन है, तो साइन अगर 90 माइनस थीटा कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, वो कोस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा के प्लेस में कितना आ जाएगा आपके पास, थीटा के प्लेस में कितना आ जाएगा, यहाँ पे, यहाँ पर 90 है, ये 72 यहाँ रखेंगे, ठीक है। 90 माइनस ये बन गया थीटा अपॉन में कोस 72 डिग्री। क्लियर है इतना। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा, थीटा यानी कि कोस थीटा बनता है, तो हम कोस और थीटा के प्लेस में अब आपके पास जो थीटा है वो ये 72 है, ठीक है। तो 72 यहाँ पर रख लो और अपॉन में कोस 72 यहाँ भी रख लो, तो ये कोस के साथ कोस कट जाएगा, हमारे पास कितना आएगा आंसर, 1। देखो क्या किया, यहाँ पर हमने 18 बनाना था, ठीक है, 18 बनाना था, तो हमने क्या किया, 90 माइनस कर दिया 72, तो इसको जब हम माइनस करेंगे हमारे पास 18 आएगा, ठीक है। और इसको क्या बोल दिया गया, थीटा, इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने बोल दिया थीटा। तो थीटा के प्लेस में यानी कि 90 माइनस थीटा है तो आपका क्या बन के आएगा, कोस थीटा, सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। और इस थीटा की वैल्यू क्या है, अब ये 72, तो यहाँ पर हमने क्या रख दिया, 72, और कोस 72 नीचे ऑलरेडी था, काट के इसको 1 आ गया, ठीक है। अब देखो इसका सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में हमारे पास है टेंजेंट 26 डिग्री डिवाइड में है कोट 64, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसी को चेंज कर देंगे दोबारा। तो कैसे करेंगे, टेंजेंट 90 माइनस 64 करेंगे तो हमारे पास ये 26 आएगा, अपॉन में कोट 64 ऐसे ही रहने दो, यानी कि 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कितना होगा हमारा, कोट थीटा। तो कोट थीटा के प्लेस में ये 64 आ जाएगा, 64 डिग्री, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, कोट 64 डिग्री, आपस में कट गया, कितना आ गया, 1 आंसर, ठीक है ये। और इसका थर्ड पार्ट है, अब तो थर्ड पार्ट में हमें दिया है कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। देखो अब इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 48 है, यहाँ पर हमारे पास 42 है, आप चाहे इसको चेंज कर लो चाहे इसको चेंज करो, ऐसा नहीं है, इस क्वेश्चन में भी ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे इस कोस को चेंज कर देंगे। तो कोस को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, कोस 90 माइनस कितना करेंगे,
ताकि 48 बन जाए, 90 माइनस 42, ठीक है, और माइनस साइन, ये आपके पास 42 डिग्री ऑलरेडी गिवन है, तो साइन कोस कितना आ जाएगा यहाँ पर, कोस 90 माइनस थीटा, यानी कि साइन थीटा, और थीटा के प्लेस में ये 42 आ जाएगा, माइनस साइन 42, तो आपस में कट गया, कितना आ गया, इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका जो फोर्थ पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है, फोर्थ पार्ट को आप ट्राई करना, अगर ना लगे पता प्लीज मुझे बता सकते हैं, मैं उसको करवा दूंगा। देखो कितने इजी क्वेश्चन है, अब बस यहाँ पर याद रखो कि हमें 48 बनाना है, तो 48 कैसे बनेगा, 90 में से अगर हम 42 को माइनस कर दें तो 48 आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सिंपल हो गया। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू है सच दैट, या फिर इसको दिया सॉरी शो दैट दिया यहाँ पर, क्या दिया है, शो दैट कि टेन 48, टेन 23, टेन 42, टेन 67 इक्वल टू 1 हमारे पास आएगा, ठीक है, हमें प्रूव करना है। तो बिल्कुल सिंपल है, ये हमारे पास कितना है, टेंजेंट 48 है, ठीक है, तो इस टेंजेंट 48 को आप क्या करो, इसको हम चेंज कर देंगे, कैसे करेंगे, अगर मैं 90 माइनस 42 कर दूं, ठीक है, 90 माइनस 42 कर दूं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, वो 48, सिंपल सी बात है कि इसको चेंज कर दो, टेन 90 माइनस 42 आप यहां पर रख दो, और इस टेंजेंट 42 को इसके साथ रख दो, ठीक है, और अब क्या है, टेंजेंट हमारे पास ये 67 है, क्योंकि जो बड़ी टर्म है सिर्फ हम उसको छोटा कर रहे हैं, 67 को क्या करो, 90 माइनस आप कर दो 23, और यहां पर क्या कर दो, टेन 23, क्लियर है, इतना 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 तो आपको पता लग रहा हो क्या किया हमने, ये 90 माइनस 42 कर दिया, ठीक है, इसको चेंज कर दिया और इसको चेंज कर दिया, बाकी हमने इसको ऐसे ही रहने दिया, ये चीजें ऐसे ही रही, इसको मैंने अगर 42 किया तो 42 इसके साथ आ गया, इसको अगर मैंने 23 किया तो 23 इसके साथ चला गया, ठीक है, यहां पर tan 90 माइनस थीटा आपके पास आ जाएगा कोट 42 डिग्री, और इनटू ये आपके पास है tan 42 डिग्री। अब यहां tan 90 माइनस 23 यानी कि ये बन गया कोट 67 डिग्री, और ये बन गया आपके पास सॉरी कोट 23 डिग्री, ठीक है, 23 डिग्री, और ये आ गया tan 23 डिग्री, क्लियर है इतना। अब देखो कोट को आप कैसे लिख सकते हो, इस कोट को हम कैसे लिख सकते हैं, मैं आपको ये चीज भी बता दूं यहाँ पे, ठीक है, सिंपल से कुछ पॉइंट्स आएंगे मैं वो क्लियर कर दूं, ये जो कोट है, कोट को हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ऐसा करते हैं पहले आपको इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं इसके फॉर्मूलाज बता दूं, ठीक है, इसको बाद में लेंगे, पहले मैं इसके फॉर्मूला बता दूं आपको, तो फॉर्मूला क्या क्या है, अगर हमारे पास साइन थीटा दिया हो, ठीक है, तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा, ठीक है, हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा, अगर आपके पास कोसेक थीटा दिया हो तो उसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन साइन थीटा, ये तो एक कैटेगरी हो गई इसकी। अब सेकंड क्या है, सेकंड ले लेते हैं, कोस थीटा अगर आपके पास दिया हो, ठीक है, कोस थीटा आपके पास हो तो उसको लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा, क्लियर है, अगर सेक थीटा आपके पास दिया हो तो उसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन कोस थीटा, ये एक प्रॉपर्टी इसकी ये आ गई। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, अगर टेन थीटा इक्वल टू दिया हो तो उसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन कोट थीटा, ठीक है, और कोट थीटा आपके पास दिया हो तो वहां से क्या निकाल सकते हैं, 1 अपॉन टेन थीटा आप निकाल सकते हो, तो ये प्रॉपर्टीज का हमने यूज कर दिया। अब ये फॉर्मूला भी आपको याद रखने हैं, देखो कितने फॉर्मूले हो गए, 6 फॉर्मूले ये और 6 ही ये हो गए, तो ये आपको याद करने पड़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादा जो डिपेंड करती है एक्सरसाइज सारी फॉर्मूलाज के ऊपर है, और यही एक्सरसाइज यही टॉपिक जो है आपको 11th और 12th में जो है, जब भी जितने आप हाईएस्ट क्लासेस में जाओगे वहां पर ये फॉर्मूलाज का सारा आप यूज करोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर टू था हमारे पास, शो करना था हमें, शो दैट, तो फर्स्ट पार्ट था कि टेन 48 डिग्री इंटू टेन 23 डिग्री इंटू टेन 42 डिग्री इंटू टेन 67 डिग्री इक्वल टू 1, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि टेंजेंट को हम क्या कर देंगे, 48 को चेंज कर देंगे, 90 माइनस कर देंगे हम 42, तो इसके साथ आ जाएगा टेन 42, और यहाँ पर करेंगे टेन 90 माइनस 67
तो टेन यहाँ पर कितना आ जाएगा, सॉरी 23 यार, 23, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये 23 डिग्री। क्लियर है इतना? तो इसको तो बना सकते हो आप कि टेन 90 माइनस थीटा यानी कि कोट 90 माइनस कोट थीटा, तो कोट थीटा कितना आ गया 42, यहाँ पर टेन 42 है, यहाँ पर भी कोट आ जाएगा, कोट 23 और ये टेन 23। अब देखो जो कोट थीटा है वो आपने क्या लिया है 1/10, तो मैं इसके प्लेस में क्या लिख सकता हूँ, इसके प्लेस में मैं लिख सकता हूँ 1/10 42 डिग्री इंटू ये टेन 42 डिग्री ऑलरेडी है, ठीक है। इस कोट थीटा के प्लेस में मैं क्या लिख सकता हूँ अब 1/10 23 डिग्री, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम ऑलरेडी 23 डिग्री दिया है। देखो ये इसके साथ कट गया और ये इसके साथ कट गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया 1, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS हो गया ना। सेकंड पार्ट आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है, ट्राई करना, अगर ना लगे पता तो मेरे से पूछ सकते हैं। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, बस ये फॉर्मूलाज के ऊपर डिपेंड करता है सारा। अब देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके पास है, इफ टेन 2A इक्वल टू कोट A माइनस 18 डिग्री वेयर 2A इज एन एक्यूट एंगल, ठीक है, ये जो 2A है ये एक्यूट एंगल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A। देखो बिल्कुल घुमा के क्वेश्चन दिया और इतना इजी क्वेश्चन है, हम क्या करेंगे, ये क्या दिया आपके पास टेंजेंट 2A, ठीक है, और यहां पर दिया है कोट A माइनस 18। अब कोट A माइनस 18 को याद रखो, ठीक है, मैंने यहां पर क्या लिख दिया, साइड में लिख रहा हूं मैं, कोट A माइनस 18 डिग्री मैंने यहां पे लिख दिया, ठीक है। और यहां पर आप क्या करो, इस तरफ ये टेन दिया है, टेन को आप क्या लिख सकते हो कोट 90 माइनस 2A आप लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, क्लियर है, इसलिए मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। अब क्या होगा, यहां से ये जो कोट है और ये जो कोट है आपस में कट जाएगा, ठीक है, कितना आ गया 90 माइनस 2A इक्वल टू यहां पर आ गया A माइनस 18, इतना क्लियर हो रहा है। अब ऐसा करो जो नंबर है उनको एक तरफ कर दो, तो ये 18 बन गया और A वहां जाके प्लस 2A हो गया, कितना आ गया 108 इक्वल टू 3A, हमें निकालना क्या है A की वैल्यू, तो 108 अपॉन कर दो आप 3, काट देंगे इसको कितना आ जाएगा 36 आएगा, ठीक है, इक्वल टू A, A की वैल्यू क्या आ गई 36 डिग्री। देखो कितना इजी हो गया, ठीक है, किया गया हमने, इसको बना दिया टेन 2A को हमने बना दिया, कोट 90 माइनस 2A लिख दिया, क्लियर है, और उसके बाद इक्वल करके इसको इक्वेट करके हमने निकाल, क्योंकि इसको देखो ना ये कोट A माइनस 18 है, तो यहां भी हमें कोट चाहिए था, तो हमने क्या किया 90 माइनस 2A कर दिया, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, अब देखते हैं सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास दिया है कि इफ टेन A इक्वल टू कोट B प्रूव दैट, ये प्रूव दैट है, ठीक है, A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री। हम क्या करेंगे, यहां से चलेंगे, यहां पर कोट B दिख रहा है, यहां पर आपको टेन A दिख रहा है, क्या करो, सिंपल सी बात है, इसको तो आप रखो कोट B, ठीक है, कोट B ही रखो, और जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था इसको हम क्या कर सकते हैं, कोट 90 माइनस A लिख सकते हैं, ठीक है, कोट 90 माइनस A लिख सकते हैं, कोट से ये कोट कट जाएगा, यहाँ पर 90 माइनस A इक्वल टू कितना आ जाएगा B। अब आप खुद देखो, अगर मैं 90 को यहाँ रखता हूँ और इस A को वहाँ ले जाऊँ तो B प्लस A बन जाएगा, ठीक है, तो आप लिख सकते हो देयरफॉर A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री, क्लियर है, ये रहा हमारा आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, यहाँ दिया इफ सेकेंड 4A इक्वल टू कोसेक A माइनस 20 वेयर 4A इज एन एक्यूट एंगल फाइंड वैल्यू ऑफ A। देखो यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, इसको क्या करो आप, इसको तो रख लो आप क्या कोसेक A माइनस 20 लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर ये 4A है, यहाँ क्या लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 4A, क्लियर है, कोसेक से कोसेक कट जाएगा, 90 माइनस 4A यहाँ पे आएगा और ये A माइनस 20 यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो अब क्या करो, यहाँ से टर्म्स एक जो नंबरिंग है उनको एक तरफ कर लो, तो 20 इक्वल टू A प्लस 4A कितना आ गया, यहाँ से आ गया आपके पास 110 डिग्री इक्वल टू 5A, और 110 अपॉन 5 इक्वल टू A यानी कि ये आ गया आपके पास 22 डिग्री, तो A की वैल्यू क्या आ गई A इक्वल टू 22 डिग्री आंसर, ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन था।
अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या है आपके पास कि इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल शो दैट साइन बी प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू कोस ए अपॉन टू। ये एक ट्राइंगल है आपके पास, ठीक है। इस ट्राइंगल में क्या बोला गया है कि जो इंटीरियर एंगल है ये एक ट्राइंगल के एंगल दिए हैं, इसको नाम दे दो आप ए बी और ये सी, ठीक है। तो आप लिख सकते हो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, और रीजन क्या आ जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी आ जाएगा। अब यहाँ देखो एंगल बी प्लस सी को आप एज इट इज रखो एंगल सी, और इसके अकॉर्डिंग चलो तो ए को हम वहाँ भेज देंगे, तो ये बन जाएगा 180 माइनस एंगल ए, ठीक है। अब सिंपल क्या करो, डिवाइड कर देंगे हम दोनों तरफ, डिवाइड बोथ साइड बाय टू, दो के साथ हम डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना बन जाएगा एंगल बी प्लस एंगल सी डिवाइड में टू इक्वल टू 180 डिवाइड में टू माइनस एंगल ए डिवाइड में टू, ठीक है। अब आपके पास यहाँ क्या था, साइन, तो आप क्या करो यहाँ पर रख लो साइन और ब्रैकेट लगा करके एंगल बी प्लस एंगल सी डिवाइड में टू इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास कितना है, यहाँ पर भी आप साइन लेंगे, ठीक है, साइन ले लेंगे और यहाँ लिख देंगे 180 डिवाइड में टू माइनस एंगल ए अपॉन टू, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखो क्या करेंगे, जो साइन एंगल बी प्लस सी है इसको हम ऐसे ही रखेंगे अपॉन में टू, ठीक है, और यहाँ देखो ये कट जाएगा 2 9 जा कितना आ गया साइन 90 माइनस एंगल ए अपॉन टू आ गया। अब ये क्या बन गया, साइन 90 माइनस थीटा बन गया, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा यानी कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, तो इसको आप क्या लिख सकते हो साइन एंगल ए बी प्लस एंगल सी डिवाइड में टू इक्वल टू कोस एंगल ए बाय टू। हमें प्रूफ क्या करना था कि साइन बी प्लस सी डिवाइड बाय टू इक्वल टू कोस ए बाय टू, हमें यही प्रूफ करना था, ठीक है, यही चीज हमें प्रूव करनी थी। सिर्फ हमने क्या किया, एंगल साइड में कर दिया और बी प्लस सी कोस ए अपॉन टू को लिख दिया। देखो कितना इजी क्वेश्चन था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास है एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45। 0 और 45 के बीच में इसका आंसर हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, देखो 0 और 45 के बीच में लाना है ना इसको, तो देखो कैसे करेंगे इसको। अब ये हमारे पास है साइन 67, तो ऐसा करते हैं कि इसको हम किस चीज़ से माइनस करें कि 67 आ जाए, कि कौन से नंबर से माइनस करें कि 67 बन जाए। तो देखो साइन को अगर हम 90 माइनस 23 करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, ये 67 प्लस कोस यहाँ पर कर दो आप 90 माइनस 15, ठीक है, 19 माइनस 15 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 75। आपके पास ये कितना आ गया साइन 90 माइनस थीटा यानी कि कोस 23 डिग्री प्लस कोस 90 माइनस थीटा यानी कि साइन 15 डिग्री, तो ये आ गया ना 0 और 45 के बीच में, यही हमारा आंसर है, ठीक है। ये थी हमारी एक्सरसाइज 8.3। अगर वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चन आपको समझ आए, प्लीज फॉर्मूलाज को, इसके जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनको एक बार ट्राई करना, ठीक है, याद करने की ट्राई करना, तभी ये क्वेश्चन आपके हो पाएंगे। तो ये सारे के सारे फॉर्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे, क्वेश्चन आपको समझने पड़ेंगे, तब जाके एक्सरसाइजेज आपकी हो पाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।